हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिमी। आज हम लोग इस चैनल पे एक नया सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इंग्लिश ग्रामर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप तक इंग्लिश की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारी ये पहल अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो जहां तक आज तक हम लोग देखते आए हैं, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को बहुत सारा आइडिया मिलता रहा, बहुत सारा चीज़ सुनने को मिलता रहा अलग अलग लोगों से कि आप अलग अलग चीज़ें करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, या फिर आप इंग्लिश मूवीज़ देखो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो इंग्लिश का बेस है इंग्लिश ग्रामर ही है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश ना बोल पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। तो हमारी यही पहल है कि आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और जो कि आज के डेट में हर फील्ड में इंग्लिश की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हमारा ये कोशिश है कि आप इस सीरीज़ के थ्रू अपने इंग्लिश को सुधारें और एक शुद्ध और सही इंग्लिश बोलना सीखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला सेशन। हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जनरली इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है, यहीं से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होता है और अंत तक जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। कोशिश हम लोग करेंगे कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आप तक लेके आ सके, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा और हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो चलिए आज का हम अपना सेशन इसी बात पर स्टार्ट करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा आप 3 वर्ड से समझ पा रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि एक स्पीच का पार्ट। जब हम लोग कोई भी स्पीच या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड होते हैं और एक स्पीच में बहुत सारा सेंटेंस होता है। तो अगर आप यूनिट फॉर्म में आएंगे तो सबसे बेसिक फॉर्म होता है आपका वर्ड। एक वर्ड ही मिल करके एक सेंटेंस बनाता है और बाद में वो एक स्पीच बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी बारे में। जैसे एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, उसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेसिक पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस का, वो है वर्ब। बिना वर्ब का एक सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता। तो हमें एक सेंटेंस में सबसे पहले ये क्या पता चलता है कि सबसे पहले एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक वर्ब चाहिए। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है या किसी भी स्टेट के बारे में जिक्र हो रहा है तो वो वर्ब वाला ही वर्ड होगा जो उस स्टेट को और उस एक्शन को दर्शाएगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं वर्ब के लिए, राहुल प्लेज क्रिकेट वंस इन ए वीक। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं सेंटेंस में कि राहुल जो है क्रिकेट खेल रहा है हफ्ते में एक बार। यहाँ डूइंग वर्ड क्या है, वो है आपका प्लेज। वो क्या कर रहा है तो खेल रहा है। जब आप क्वेश्चन करेंगे क्या क्यों तो आपको एक जवाब आएगा, क्या कर रहा है तो खेल रहा है। तो ये आपका वर्ब हो गया। जनरली हमारा जो वर्ब होता है एक सेंटेंस में स्टेट और एक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में आप आएँ तो पाएंगे कि वर्ब के बाद आता है जो सेकेंड चीज़ आता है वो होता है नाउन। नाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस का। नाउन में बेसिकली हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया, थिंग और ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में आप देख लेंगे तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो गया या स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, सोहन, तो एक ये स्पेसिफिक नाउन हो गया। इसको प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन में आता है। नाउन के भी अलग अलग 5 कैटेगरी, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जनरली हम ये समझ लेते हैं कि नाउन होता क्या है। तो नाउन किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी चीज़ का नाम आया हो या फीलिंग आई हो या कोई आइडिया आया हो, उसके रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नाउन का, आई लव टू ईट चिकन। यहाँ पर क्या हुआ, चिकन जो हमारा आया वो एक स्पेसिफिक फूड को या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। बाकी अगर दूसरा हम एग्जांपल देख के देखते हैं तो राम प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे क्या होगा, एक लड़का है राम नाम का, वो स्पेसिफिक नाम आ गया किसी आदमी का, तो फिर वो नाउन हो जाएगा। प्लेज हमारा क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। अब हम समझेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है कि किसी भी नाउन के बदले में आने वाला शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। वो नाउन को बेसिकली रिप्लेस कर देता था ताकि वो सेंटेंस खूबसूरत दिखे। जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं, राम लव स्ट्रीट चिकन। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, लेकिन इसके जगह अगर हम राम की जगह प्रोनाउन यूज़ करें, वो नाउन की जगह, तो ये प्रोनाउन आ जाएगा ही, क्योंकि लड़के के लिए ही आता है।
तो हम लिखेंगे क्या, ही लव टू ईट चिकन। तो सेंटेंस हमारा थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है और इसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल इसी तरीके से होता है। ऐसे अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग प्रोनाउन होता है, जिसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सा प्रोनाउन कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। तो अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगला हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो हमारे नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जैसे हम एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिटी हैज़ टॉल बिल्डिंग। टॉल क्या हो गया, वो एक नाउन के बारे में वो बता रहा है कि बिल्डिंग कैसा है, तो वो टॉल है, तो ये लंबाई बता रहा है, तो एक तरीके से वो एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरीके का एग्जाम्पल होता है, एडजेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। डब्ल्यू एच सेंटेंस, जो भी क्वेश्चन आपका होगा उस सेंटेंस में नाउन के बारे में, वो सारा सेंटेंस का आंसर वो एडजेक्टिव ही देता है। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होता है वो होता है एडवर्ब। जो हमारा एडवर्ब होता है वो हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब का हम एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर स्किलफुली सेव्स द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव के बारे में इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है कि स्किलफुली वो उसके करियर को शेप कर रहा है, तो यहाँ स्किलफुली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में एडवर्ब के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब के बाद हमारा अगला पार्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है वो बेसिकली रिलेशन बताता है हमारे नाउन और प्रोनाउन के बीच का। तो जब हम प्रीपोजिशन के एग्जांपल के बारे में जिक्र करेंगे तो हमारा प्रीपोजिशन का एग्जांपल ही आ जाएगा, स्नेक इज़ इन फ्रंट ऑफ द कार। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट ऑफ जो है हमारा स्नेक और कार के बीच का जो रिलेशन बता रहा है, तो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं, अगला है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है कंजक्शन। एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक लंबा सेंटेंस बना देता है। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे, वी वांटेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट वॉज टू हॉट। तो इसमें हम देखें क्या कि पहला जो सेंटेंस था वी वांटेड टू गो फॉर ए वॉक और उसको हमने जोड़ा बट से, बट बीच में आकर के क्या हुआ, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ दिया। तो इस ये बट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इंटरजेक्शन। जनरली हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन का इस्तेमाल बहुत कम जगह पे होता है या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत कम जगह पे इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है। इंटरजेक्शन जनरली हमारे फीलिंग्स को या फिर किसी सडन रिएक्शन को डिनोट करने के लिए इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ मैं वर्ड आपको बताऊँ तो वाओ, आउच, उफ, इस तरीके का वर्ड जो होता है वो इंटरजेक्शन के कॉलम में आता है। तो अगर हम इंटरजेक्शन का एग्जांपल देखें तो पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आउच द वेदर इज़ टू हॉट। यहाँ पे क्या हुआ कि हम अपना एक सडन फीलिंग को दिखा रहे हैं आउच कह के, आउच हमारा क्या हो गया, ये एक इंटरजेक्शन हो गया जो हमारे सडन फीलिंग्स को दिखा रहा है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके आठ कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो कोशिश हमारी ये थी कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा सकूं इस सारे चीज़ों को। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।